यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चले रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। हिमाचल से अगली बड़ी खबर आपको देंगे, जहां सोलन हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे हैं। तो सोलन के दौरे पर हैं हिमाचल के मुखिया जयराम ठाकुर, और इसी दौरे के दौरान सीएम की ओर से कांग्रेस पर जमकर जुबानी वार किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रखे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है मुखिया का। विधानसभा अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल रखे, सांसद भी यहां पहुंचे। सोलन जयराम ठाकुर पहुंचे हैं कांग्रेस पर जमकर वो हमलावर नजर आए हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा गया और जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस ने तहस नहस कर दिया। अर्थव्यवस्था को सुधारने में वक्त लगेगा, हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। चिन्मय कौशल है हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़े हैं सोलन से। क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे में, जयराम ठाकुर पहुंचे हैं सोलन? इस वक्त जो मुख्यमंत्री हिमाचल है जयराम ठाकुर, उनका जो सब्जी मंडी में है कार्यक्रम चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ पर एक शिलान्यास किया है, जिसमें जो बोली भवन है उसका उद्घाटन उन्होंने किया है, और अभी उनको यहाँ पर सम्मानित करने का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। सब्जी मंडी में अभी उनको एक बड़ा सा हार गले में डालकर उनका स्वागत किया गया, साथ में ही 80 किलो लड्डू से उन्हें तोला गया, और अभी जो अभिनंदन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और अभी तक बंदोबस्त जारी है, और आगे भी जो अभी कुछ योजनाएं हैं जिनको ऊपर अभी उन्होंने शिलान्यास रखना है वो भी कुछ देर में वो रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सोलन जयराम ठाकुर पहुंचे हैं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लड्डुओं से सीएम को तोला गया है, साथ ही कांग्रेस पर अर्थव्यवस्था को लेकर वो हमलावर नजर आए कि कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया सरकार में रहते हुए। तो बड़ी खबर भी आपको सोलन से, जयराम ठाकुर जो कि सूबे के मुखिया हैं वो सोलन पहुंचे हैं। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष भी उनके साथ उपस्थित हैं, सांसद भी पहुंचे हैं।